कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं ये गोदरेज की तरफ से जो एयरमेटिक स्मार्ट मेटिक जो एयर फ्रेशनर आता है। तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे ये इसमें ब्लूटूथ इनेबल्ड है, शेड्यूलर है और आप इसको मोबाइल के थ्रू भी यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है, स्मार्ट शेड्यूलर है, इंस्टेंट फ्रेशनेस स्प्रे नाउ का भी बटन है, लो बैटरी अलर्ट है और मैनुअल ऑपरेशन के लिए भी जो पुश बटन है वो भी अवेलेबल है। और जैसे ही लो इसकी रिफिल है वो लो होती है वैसे ही ये एक आपको मैसेज भी देता है। यहाँ पे बहुत सारे जो इसको यूज़ कैसे करते हैं उसके डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। और MRP की बात करें तो ये 860 रुपये जो इसकी है MRP लिखी हुई है और लगभग ये इतने में ही या छुटपुट डिस्काउंट के अंदर ही आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस बॉक्स को ओपन करते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अब मैं सबसे पहले फटाफट इसके बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। तो बॉक्स के अंदर यहां पे हमको देखने को मिलते हैं AA साइज की बैटरीज देखने को मिल जाती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है एक यूजर मैनुअल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमें ये स्मार्ट यूनिट। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नीचे एक स्टैंड दिया हुआ है और इसको चाहे तो रोटेट करके और इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। पीछे की साइड यहाँ पे एक हैंग वॉल पे हैंग करने के लिए यहाँ पे मतलब आप इसको किसी कील के सहारे दीवार पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पे इसकी ओपनिंग मिल जाती है जिसके अंदर से स्प्रे बाहर आता है और यहाँ पे फ्रंट के अंदर यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। प्लास्टिक की इसकी बॉडी है मतलब प्लास्टिक की क्वालिटी है। राइट साइड के अंदर की बात करें तो यहाँ पे ही इसके जो सारे मैनुअल्स है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल बटन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो देखने को मिलता है कि ये 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पे स्प्रे करता है और सभी के सामने एक एक LED दिखाई ये कैसे क्या चलता है अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक ओपन के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है और कुछ खास है नहीं इसमें। तो इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ से इसको इस तरह से ओपन करना पड़ेगा और सिंपल ये प्लास्टिक का बॉक्स के जैसे पूरा ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये इसका जो रिफिल है रिफिल कैन है और ये 225 ml का जो है स्प्रे है। ये देखिए ये 225 ml जो इसकी कैपेसिटी है एक स्प्रे की है और ये लगभग 2200 बार स्प्रे की ये गारंटी देता है। तो इसमें आप अलग अलग प्रेगनेंस के जो स्प्रे है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि गोदरेज की तरफ से आते हैं। तो ये काफ़ी लाइट वेट है और ये जो मशीन है ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है। वो कैसे क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ एक बार। तो मैं पहले इसकी मैनुअल सेटिंग दिखाता हूँ फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि ब्लूटूथ पे ये किस टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले मैं बैटरी इसको इंसर्ट कर देता हूँ। बैटरी इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है और साथ में इसको भी यहाँ लगा देता हूँ और इसको बंद कर देते हैं। अब इसको ऑन करने के लिए सिंपल हमें इस बटन को दबा के रखना है। आप देख सकते हैं कि ये अभी 20 पे ब्लिंक किया मतलब ये 20 मिनट पे ऑटोमेटिक स्प्रे करेगा। तो 20 मिनट पे ब्लिंक करने लग गया है। इस तरह से एक बार और दबाऊंगा तो ये अभी 40 मिनट के अंतराल पे ब्लिंक करेगा। तो ये ब्लिंक करे इसका मतलब ये हर 40 सेकंड के अंदर स्प्रे करेगा। एक बार और दबाऊंगा तो ये समय ऑन ऑफ वाली पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है आप कोई भी LED ब्लिंक नहीं करी। मैं एक बार वापस दबाऊंगा तो ये 10 वाली पे ब्लिंक करने लग जाएगी मतलब हर 10 सेकंड के अंदर अब ये स्प्रे करने के लिए रेडी है। गोदरेज एयर की जो एप्लीकेशन है उसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से है। यहाँ पे मैंने ये डिवाइस को ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर स्टेटस में दिखा रहा है ये जो रिफिल है वो 98% यहाँ पे बची हुई। यहाँ पे कंट्रोल डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। कोई की तरफ यहाँ देखे तो यहाँ पे एड न्यू डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डिवाइस पे और कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो इस समय यहाँ पे सिंक कर रही है। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिन नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं इसको अभी स्प्रिन नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये अभी ये देखिए ये इसने एक बार स्प्रे कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्प्रे के इंटरवल है वो आते हैं और यहाँ पे जो रिफिल है उसको रिसेट करने के लिए ऑप्शन आता है। नीचे यहाँ पे स्केड्यूलर आ रहा है जिसके थ्रू आप अपने जो स्केड्यूल्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको जो स्प्रे है कितने बजे तक किस इंटेंसिटी में चाहिए। जैसे कि मैं मेरे स्केड्यूल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ स्केड्यूल्स हैं वो सेट कर रखे हैं। जैसे पहला स्केड्यूल है वो 5:30 बजे से ऑन हो जाता है और 7 बजे तक चलता है और उसके अंदर हर 10 मिनट के अंदर एक स्प्रे होता है। उसके अलावा जो दूसरा स्केड्यूल है वो यहाँ पे है 20 मिनट के अंदर हर स्प्रे 7:10 AM से स्टार्ट होता है और 9 बजे तक ये चलता है। इसी प्रकार नेक्स्ट स्केड्यूल है तो वो चलता है शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और 40 मिनट के अंतराल पे ये स्प्रे करता है।
तो इसका स्केड्यूलर काफ़ी अप्रोप्रिएट है, एक बार आप ये बना दीजिए तो ये इसके डिवाइस के साथ सिंक हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको इसको बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो ये डिवाइस है, मशीन है, इसके अंदर की जो मेमोरी है शायद वो इतनी ही मेमोरी है कि एक बार में एक ही कमांड लेता है। अगर आप बार बार इसके जो स्केड्यूल्स हैं इसको एडिट करेंगे तो होगा क्या कि ये बार बार स्प्रे करता जाएगा, जितनी बार आप इसको अपडेट करेंगे ये उतनी बार स्प्रे करेगा, मतलब हर अपडेट के साथ ये एक स्प्रे मारकर, मतलब एक स्प्रे करता है, उसके बाद ये उस स्केड्यूल को आगे फॉलो करता है। तो आप बार बार एडिट मत कीजिए, बस एक बार आपने स्केड्यूल लगाइए और इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद ये जो आपने इंटरवल सेट किया है उसी पे ये स्प्रे करेगा। तो शुरू में मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैं इसको बार बार इसमें नया स्केड्यूल लगाता, उसको चेक करने के लिए देखता, तो ये बार बार स्प्रे करा जाता, मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तो ऑलमोस्ट इसको अभी हमने 3-4 दिन तक यूज़ कर लिया है, जिसमें एक इसकी 4% यहाँ पर जो रिफिल है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। यहाँ ऊपर स्टेटस की बात करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है लास्ट 0 मिनट एगो, और यहाँ पे जो है बैटरी का परसेंटेज भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो काफ़ी लाइट वेट एप्लीकेशन है और काफ़ी सटीक एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो स्केड्यूल चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट फ्लैश कर रही होती है। स्मार्टमेटिक मशीन है। इसके अलावा इसके एक नॉर्मल वेरियंट भी आता है जो कि मैनुअल वेरियंट आता है, उसमें आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू वो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। एयर फ्रेशनर है जो कि ऑटोमेटिक हो, वो कम ही अवेलेबल है, मतलब मुझे तो कुछ पता नहीं, मतलब मेरे ख्याल से तो और कोई ऐसा एयर फ्रेशनर नहीं है कि जो कि आपको स्मार्ट ब्लूटूथ और इनका फीचर दे। ये इस वीडियो के अंदर ये था एक गोदरेज की तरफ से आने वाला एयर स्मार्ट मेटिक एयर फ्रेशनर। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी मदद करता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।